Okay, students, so now we are going to start with the topic, that is muscular tissue. Muscular tissue is also known as the muscle tissue. Muscular tissue is also known as the muscle tissue. ये muscle tissue जो है हमारे skeletal system का important part जो है वो form कर रहा है. Yes. तो basically क्या है, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है दैट इज मेड अप ऑफ बोन्स, दैट इज मेड अप ऑफ मसल्स, दैट इज मेड अप ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स, जिसकी हेल्प से हम मूव करने में कामयाब होते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू, दैट इज द मस्कुलर टिश्यू. ये है हमारी डायग्राम में हमें दिख रहा है, दैट इज अ मसल फाइबर. This is a muscle fiber. Muscle fiber consists of myofibrils. Myofibrils क्या होते हैं? Fiber-like structures होते हैं जिससे एक cell हमारा form होता है. The tissue is made up of many muscle cells or the muscle fibers. These muscle fibers are composed of numerous fine myofibrils. Basically, myo word है जो that is used for the muscles only. Tissue is made up of many muscle cells or they can also be called the muscle fibers. जो एक हमारी मसल है वो बहुत सारे मसल सेल्स से बनी है या मसल फाइबर से बनी है, एंड जो मसल फाइबर्स है वो बहुत सारे शॉर्ट एंड न्यूमेरस मायोफिब्रिल से बने हैं. आप इस डायग्राम में देख सकते हो दैट दिस इज अ मसल फाइबर, एंड मसल फाइबर के अंदर मायोफिब्रिल्स जो है वो अटेन बिल्कुल अच्छे से पैक्ड है, टाइटली पैक्ड है, एंड देयर फॉर्मिंग अ प्योर स्ट्रक्चर फॉर देम. Myofibrils के अंदर we can see that there are filaments. These filaments के अंदर हमें actin and myosin वाला product दिख रहा है, ये dot like structures जो आपको दिख रहे हैं, these are the actin and myosin जो उसके अंदर further packed हैं. So अगर हम इसको देखना चाहें basically तो कैसे देख सकते हैं, that first of all we are having muscles. Muscles are made up of many muscle fibers. Muscle fibers are made up of many muscle myofibrils. Myofibrils basically these are the small fibers. Okay. These myofibrils are further composed of the filaments. And these filaments are of actin and myosin. Actin and myosin are the things, are the basically substances, the structures which help the muscle to contract and relax. Contract का मतलब होता है कम होना, length में कम हो जाना, short हो जाना, and relax का मतलब है lengthen हो जाना. मतलब कि सपोज करो आपको ठंड लग रही है, आप शिवर कर रहे हो, शिवर कर रहे हो तो ठंड में आप क्या करोगे, कॉन्ट्रैक्ट कर जाओगे. आप अपने सारे लिम्स को एंड जो बॉडी पार्ट्स को बिल्कुल अपने पास कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे, दैट इज यू शॉर्टन इन योर लेंथ. एंड रिलैक्सेशन का मतलब है बिल्कुल फैल जाना, इंक्रीज इन द सर्फेस एरिया, लेंथनिंग. तो ये जो मसल्स हैं बेसिकली हमारे हैंड मूवमेंट्स है, लिम मूवमेंट्स है, किसी भी टाइप की मूवमेंट को कैसे करते हैं, ऐसे ही करते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं एंड देन ये क्या कर जाते हैं, रिलैक्स कर जाते हैं. ठीक है, तो हम मैंने आपको बता दिया कि मसल्स कैसे फॉर्म होते हैं. मसल्स आर फॉर्म्ड ऑफ द मसल फाइबर्स. मसल फाइबर्स आर फर्दर फॉर्म ऑफ द मायोफिब्रिल्स. देन मायोफिब्रिल्स आर फॉर्म्ड ऑफ द एक्टिन एंड द मायोसिन. एक्टिन एंड मायोसिन आर द स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प द मसल इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन साइमल्टेनियस मूवमेंट्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ सम ऑर्गन्स ऑफ माई बॉडी. सपोज करो आपको हैंड को क्या करना है, अपने हाथ की फिस्ट बनानी है, हाथ की मुट्ठी बनानी है, तो आपको नहीं पता कि आपकी कितनी मसल्स रिलैक्स करी है और कितनी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करी है हमें वो शेप प्रोवाइड करने के लिए. मतलब हमारे हाथ के अंदर बहुत सारी मसल्स हैं,
ये सारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करी, ये सारी मसल्स रिलैक्स भी नहीं करी. सम मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग, ऑन द अदर हैंड द अदर मसल्स आर रिलैक्सिंग. तो ये साइमल्टेनियस मूवमेंट होते हैं जिसकी वजह से एक एक प्रॉपर शेप मिलती है. अब जैसे आपने पैर को आगे रखना है, अपने पैर को आगे रखना है, तो बहुत सारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ऑन द अदर हैंड बहुत सारी मसल्स क्या होंगी, रिलैक्स होंगी. तो दिस इज बेसिकली अ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट. किसी भी मसल्स की कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है जिसकी हेल्प से हम अपना पैर आगे रख पाते हैं, फिर पीछे रख पाते हैं. सो दिस इज अ बेसिक थिंग. ठीक है, दैट अ मसल परफॉर्म. दैट वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द मस्कुलर फाइबर. नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट पॉइंट. मसल फाइबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है शॉर्ट होना लेंथ में, एंड रिलैक्स का मतलब है इंक्रीज होना इन द सर्फेस एरिया और लेंथन अप. मसल टेक पार्ट इन द लोकोमोशन एंड मूवमेंट. बेसिकली लोकोमोशन एंड मूवमेंट का क्या मतलब है? लोकोमोशन का मतलब है चलना, अपनी पोजिशन से चेंज करना, तो अपनी पोजिशन को चेंज करना. तो मसल टेक पार्ट इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स. मूवमेंट्स है किसी भी टाइप के, हैंड मूवमेंट्स हो रही है, फीट मूवमेंट्स हो रही है, फेस की मूवमेंट्स हो रही है, ये कुछ भी और टाइप की मूवमेंट हो रही है, दैट इज इंक्लूडेड इन द मूवमेंट. लोकोमोशन का मतलब होता है अपनी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करना, इसको हम बोलते हैं लोकोमोशन. सो लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स आर द डिफरेंट थिंग्स. अप टू द इंट्रोडक्शन ऑफ मसल फाइबर्स आई थिंक आपको सारा समझ आ गया है. अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज द types of muscles. The types of muscles hai hamare, they are of three types. The muscles are of three types. There are the skeletal muscles. The skeletal muscles are also known as the striated muscles or the voluntary muscles. The next type is the smooth muscles. Smooth muscles are the non-striated muscles or the visceral muscles. And the third type is the cardiac muscle. मतलब muscular organ का structure हमने पढ़ लिया. हर एक muscle है जो वो muscular fibers की बनी होती है. Muscular fibers के अंदर myofibrils होते हैं. Myofibrils के अंदर actin and myosin होती है. Actin and myosin क्या करती है? Contraction and relaxation करती है, जिसकी वजह से हमारा कोई भी organ है वो move कर पाता है. The next thing now is the skeletal muscles. The first type is the skeletal muscle. Skeletal muscle कौन सी? जो muscular tissue के अंदर हमारे three type के muscles होते हैं. First is the voluntary muscles. Next is the involuntary muscles. Third is the cardiac muscle. हमने छोटे होते, जब हम छोटे बच्चे थे, तब हमने ये पढ़ा था कि muscles are of two types. The involuntary muscles and the voluntary muscles. Basically this is not the point. The muscles are of three types. अभी आप biology के student हो, medical के student हो, आपको biology पढ़नी है और biology आप पढ़ भी रहे हो, तो आपको ये चीज को याद रखना है कि muscles are not of two types. That is involuntary and voluntary. Basically muscles are of three types. ठीक है? The first muscle is the skeletal muscles. Skeletal muscles कौन सी होती है? Striated muscles होती है. इनको हम voluntary muscles बोलते हैं, जो हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं. These are the skeletal muscles. दूसरे टाइप की muscles हैं, these are the non-striated or smooth muscles. Smooth muscles मतलब जो involuntary muscles होती हैं, जैसे eye के अंदर, pupil के अंदर जो muscles हैं, these are the involuntary muscles. जो हमारे stomach के अंदर है, these are also involuntary muscles. जो हमारे intestine के अंदर involuntary muscles हैं, जो हमारे blood vessels के अंदर छोटी छोटी muscles हैं जो control करती हैं constriction and relaxation of the blood vessels. Basically उनका diameter small और large करने में जो help करती हैं, these are also involuntary muscles जिसको हम control नहीं कर सकते. हाँ, अगर आपने will के according देखना है कि हम दो type की muscles हैं हमारे पास, जिसको हम अपनी इच्छा के according चला सकते हैं, जिसको हम अपनी इच्छा के according नहीं चला सकते, तो cardiac muscles are also type of involuntary muscles. लेकिन in the next lecture we'll come to know कि cardiac muscles को involuntary muscles से different क्यों लिया जाता है. ठीक है? Now the next thing is the skeletal muscles. Skeletal muscles को skeletal muscle क्यों बोला जाता है? क्योंकि skeletal system है हमारा, bony system है, जो bony system से attached होती है ना जो वाली muscles, वो muscles होती है हमारी voluntary muscles, जिसको हम अपनी इच्छा के according move कर सकते हैं. These are the skeletal muscles. Attached किसके साथ होती है? Skeletal system के साथ attached होती है, इसलिए इसको skeletal muscles बोला जाता है. Smooth muscles को smooth क्यों बोला जाता है? Involuntary तो ठीक है, या स्मूथ और स्ट्रिएटेड का मतलब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाली हूँ, अभी के लिए आप इतना समझ लो. विजरल मसल्स क्यों कहा जाता है? विजरल मसल्स
इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारे सारे जो विजरल ऑर्गन्स होते हैं, हमारे सारे जो सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं, हमारे सारे जो डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं, हमारे सारे जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, उसमें जो टाइप की मसल्स प्रेजेंट होती हैं, दीज आर द इनवॉलेंट्री मसल्स। इसलिए इनको विजरल मसल्स बोला जाता है कि हमारे सारे डेलिकेट ऑर्गन्स के साथ जो भी अटैच होगी, दीज आर द विजरल मसल्स। स्केलेटल सिस्टम के साथ अटैच है तो स्केलेटल मसल्स, विजरल सिस्टम के साथ अटैच है तो विजरल मसल्स। कार्डियक का मतलब है हार्ट, हार्ट के साथ जो वाली जिस मसल्स का हार्ट बना हुआ है उसको क्या बोलते हैं हम, कार्डियक मसल्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द मस्कुलर टिश्यू, आई होप यू गॉट इट। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम इन डिटेल अबाउट द मस्कुलर टिश्यू पढ़ने वाले हैं।